हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूखे सेमल की सब्जी। तो ताजी सेमल की सब्जी की वीडियो मेरी पहले से ही डली हुई है, लिंक दे दिया है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो आपने वो वीडियो मेरी बहुत पसंद की थी, तो आज मैं ये सूखे सेमल की सब्जी बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने सूखा के रख लिए थे, तो ये ठंड के मौसम में ही मिलते हैं, तो ये जब ही मैंने सूखा कर रख लिए थे इस तरह से, साफ कर कर और धोकर सुखा लिए थे। तो इसे इन्हें आप कभी भी बना सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होते इस तरह सुखा के रखने से। तो मैं इसे बताने वाली हूँ किस तरह बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं और इन्हें हम बनाने से पहले आधा घंटा भिगा देते हैं पानी में। देखिए, ये पानी ले लिया है, इसमें हम बनाने से पहले आधा घंटा पहले इन्हें पानी में भिगा दिया है। तो ये फ़ायदेमंद बहुत हैं और ये कमर के दर्द में बहुत फ़ायदा करते हैं और पेट के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इसे हम आधे घंटे के लिए भीगा रहने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इन्हें भीगे हुए आधा घंटा हो गया है, तो इस तरह के से ये मुलायम हो गए हैं। ये देखिए, तो इसे आप एक घंटे भी भिगा सकते हैं। तो इन्हें मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। तो देखिए, इन्हें हम अच्छे से साफ पानी से धो लेते हैं और इसमें डालने के लिए मैंने ये दो छोटे आलू ले लिए थे, उन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये एक प्याज ले ली थी, इसको मैंने पीस लिया है। तो इसमें हम मसाले ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी डाल देते हैं। देखिए, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, नमक आप स्वाद के अनुसार डाल लें, मैं यहाँ एक चम्मच डाल देती हूँ। लाल मिर्च भी आप जैसे खाते हो उस तरह डाल लें, तो मैं यहाँ पर लगभग एक चम्मच डालती हूँ क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्ची भी डालूंगी। एक चम्मच धनिया पाउडर, तो ये देखिए तीन हरी मिर्ची ले ली हैं, इन्हें भी इसी मसाले में हम कट कर देते हैं। तो देखिए, मसाला तैयार है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम कुकर में बनाएंगे। तो देखिए, हमने कुकर रख दिया है गैस पे, इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो ये सरसों के ही तेल में बनाएं तभी बढ़िया बनेंगे। तो देखिए, मैंने सरसों का तेल डाल दिया और ये कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ये सूखे हुए हैं तो जल्दी से गल जाएं। इस चक्कर में मैं ये कुकर में बना रही हूँ, ताजे वाले कुकर में नहीं बनाना है, उसको यूं ही कढ़ाई में बना लें। तो ये तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड, अच्छे से तेल गर्म हो गया है, तो इसमें मैं आधा चम्मच सूखा हुआ धनिया डाल देती हूँ। तो ये अच्छे से चटकने लगा है, तो इसमें हम मसाले डाल देते हैं जो हमने निकाले थे। गैस को हल्का कर देते हैं। तो देखिए, मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तो एक चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। ये देखिए, तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तेल अलग होने तक इसे भूनते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मसाला भून गया है, ये हम सेमल डाल देते हैं। इन्हें मैंने अच्छे से साफ पानी से भिगो लिया था भिगाने के बाद। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और आलू हम अभी नहीं डालेंगे, इसमें हलाने के लिए हम इसमें पानी डाल देते हैं।
क्योंकि ये सूखे हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें गलने में। इसमें हम 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने 3 से 4 सीटी लगा ली है। अब इसे हम खोल लेते हैं। सीटी भी हमने निकाल दी है। देखिए लगभग ये गल चुके हैं। तो इसमें हम आलू डाल देते हैं। ये देखिए मैंने जो आलू कट कर रखे थे मैं इसमें डाल देती हूँ। और आलू डालने के बाद इसमें हम 1 से 2 सीटी और लगा देते हैं, फिर आलू भी गल जाएंगे। तो जरा सा हम पानी डाल देते हैं, एकदम थोड़ा सा। तो इसमें हम लगा लेते हैं और 2 सीटी लगा लेते हैं ताकि आलू गल जाए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमने 2 सीटी लगा ली हैं और सीटी भी निकाल दी है। और इसको हम खोल लेते हैं। तो ये एकदम आलू गल गए हैं और ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। तो इस तरह आप सूखे सेमल की सब्जी बना सकती हैं। तो ये फायदेमंद बहुत है, तो इसलिए आप सुखा कर रख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले।